राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे ही भिवाड़ी के गलियारों में चारों तरफ चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। राजस्थान विधानसभा चुनाव आते ही जहां नेताओं का दौर जारी हो गया है, तो वहीं लोगों के बीच भी वोट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं लोगों का मत जानने के लिए जब हमारा संवाददाता लोगों के बीच पहुंचे, तो कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य कांग्रेस को आना जरूरी है, क्योंकि 5 सालों में वसुंधरा सरकार कोई काम नहीं करवाई है। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। दुर्मिया भी 5 साल रहा, उसने भी कुछ नहीं किया। मामन जी 5 साल से हमारे बाबा मामा राम बोली, उसके बारे में कुछ नहीं, गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। अब इसमें तो भाई जनता की वो है, मोदी ने तो काम किया है, वसुंधरा मोदी ने तो सेंटर में काम किया है। नहीं, मोदी की लहर तो सेंटर में तो मोदी रहेगा, ठीक है ना। मोदी की भी कोई कमी नहीं, मोदी ने सगड़ा देश तो वसुंधरा तो वसुंधरा से हम अपने बताओ, एक भी कोई हॉस्पिटल का पॉइंट उठाया हो, कोई कॉलेज का पॉइंट उठाया हो, किसी में भी मीटिंग में या सीएम मुख्यमंत्री के पास कभी भी कोई तो समीकरण बैठेगा उसके भी। ये तो फिर अगर वो फजल खड़ा नहीं हुआ तो बाकी वो सचिन को वोट मिलेंगे। हाँ, फिर सचिन को वोट देंगे। हम तो फिर सचिन को देंगे। फिर अगर इनको टिकट नहीं मिलती है हमारे आदित्यनाथ को, हम फिर कांग्रेस में वोट कांग्रेस को। हाँ,